नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंडियन पल्स में। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है बजट 2022 पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर। क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं बाजार को इस आने वाले बजट 2022 से। चुनावी बजट है, उत्तर प्रदेश पंजाब सहित 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं, सरकार एक आम आदमी को क्या गिफ्ट देने वाली है, शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है, जैसे आज भी शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो बाजार की एक्सपेक्टेशन से लेकर के हर एक मुद्दे पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए मनोज सिंह, जो गाजियाबाद ब्रांच के पास्ट चेयरमैन रहे हैं, 6 साल से युवाओं के बीच में, जो युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध हैं, काफी डायनेमिक तरीके से काम करते आ रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में और आज हम उनसे बात करने वाले हैं बजट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। डायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर के आपको कौन से बिंदु ऐसे लगते हैं जिन पर आपकी एक्सपेक्टेशंस है या सुधार की आवश्यकता है, इस बजट में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए? थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट 2022 आने वाले हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन की, तो डायरेक्ट टैक्सेशन में एक आम टैक्स पेयर की या एक इंडिविजुअल की क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे अकॉर्डिंगली उन्हें लगता है कि इंडिविजुअल्स को कि उनकी एग्जम्पशन लिमिट जो भी 2.5 लाख रुपए की है वो एक्सटेंड होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज तक की उनकी एग्जम्पशन लिमिट एक्सटेंड होनी चाहिए। और जो अभी रिबेट्स देती है गवर्नमेंट, उससे एक कंफ्यूजन रहता है आम टैक्स पेयर को कि एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है या 5 लाख। हाँ सर, वही मैं कहने वाला था, क्योंकि अभी भी लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं कि एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने अभी भी 5 लाख रुपए की दी हुई है, जबकि आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या वो 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन है या वो 2.5 लाख रुपए की ही एग्जम्पशन है? जी नहीं हरीश जी, ऐसा है कि एग्जम्पशन लिमिट जो है अभी 2.5 लाख रुपए की ही है, एक अलग से रिबेट मिलती है जो अंडर सेक्शन 87A मिलती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपए है, देन आपको आपकी एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और आपको 87 की रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपए है तो देन आपको टैक्स पे करना है 12,500, एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स इतना पे करना ही है। मतलब ये है कि अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख रुपए से नीचे नीचे है तो उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है टैक्स फ्री है जी। ओके, चलिए सर, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब अब ये लिमिट बढ़कर के 5 लाख हो जाए, 87A की रिलीफ हट जाए? जी, और दूसरा मेरा ये कंसर्न ये कि ATC की लिमिट जो है जो अभी 1.5 लाख रुपए है, तो ATC की लिमिट को भी एटलीस्ट एक्सटेंड करके उसको 2.5 लाख रुपए करना चाहिए, सो दैट इससे भी काफी टैक्स पेयर्स को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो सर, ये तो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन है, तो जिसमें इन्होंने 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन दी हुई है, तो आप चाहते हैं कि ये भी बढ़ करके, जो आने वाला बजट है इसमें सर का कंसर्न है कि ये भी बढ़ करके एटलीस्ट मिनिमम 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक, इससे क्या होगा सैलरी क्लास पर्सन को या फिर जो नॉर्मल स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको इस चीज का बेनिफिट। सर, एक जो क्वेश्चन अक्सर ही इस समय हमारे सामने देखने को मिल रहा है, हम डिफरेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक कंसर्न बहुत आ रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 25% सरकार ने किया हुआ है, जबकि पार्टनरशिप का टैक्स रेट 30% है, LLP का टैक्स रेट 30% है। तो सर, आप इस बारे में कोई सुधार चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल है जी, इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि अभी कंपनी से बात करें, स्मॉल कंपनी जिनकी टर्नओवर कम है उन पे 25% टैक्स है जी, तो एटलीस्ट LLP और पार्टनरशिप फर्म की बात करें हम, तो उस पे भी टैक्स रेट 25% हो जी, सो दैट उस LLP और पार्टनरशिप फर्म भी उस चीज का बेनिफिट ले पाए। अब जनरली क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को 30% टैक्स पे करना होता है और कंपनी को 25% पे करना होता है, तो कंपनी नॉर्मली फिर मेंबर्स जो अपने बिजनेसमैन है वो कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी में क्या होता है कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं उस पर पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर बात करें पेनल्टीज की, तो पेनल्टीज की मेरा ये भी मानना है कि पेनल्टीज की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। सपोज कीजिए जैसे कि पेनल्टी अभी AOC 4 है, उस पर 100 रुपीज पर डे की पेनल्टीज होती है जी, या आप बात करें हम उस पर सर अभी एक नया क्लोज भी आया है जिसमें पेनल्टी 12 टाइम्स से बढ़ा करके 18 टाइम्स कर दी गई है, तो पेनल्टीज का बर्डन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन पर बढ़ता जा रहा है जी।
और दूसरी तरफ जैसा आप बता ही रहे हैं कि 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। पेनल्टी सर उसकी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट एटलीस्ट होनी चाहिए 5,000-10,000, इस अमाउंट तक पेनल्टी रुक जाएगी, एक कैपिंग हो जाए। हाँ, अगर कोई क्लिक कोई डिले कर रहा है तो डिले करने की एक लिमिट होनी चाहिए कि अगर 1 साल डिले हो गया तो इतनी पेनल्टी, 2 साल डिले हो गया तो इतनी पेनल्टी, लेकिन कुछ एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट भी फिक्स होनी चाहिए। सपोज टीडीएस की है, बिल्कुल टीडीएस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस तक की पेनल्टी लग सकती है जी, लेकिन एलएलपी में और इसमें इस टाइप की फॉर्म्स में ऐसा नहीं है, कुछ फॉर्म्स में ऐसा नहीं है, वो पेनल्टी पर डे बेसिस पर है, पर डे बेसिस पर वो इतनी अमाउंट हो जाती है कि लाखों अमाउंट तक पहुंच जाती है पेनल्टी। तो एटलीस्ट एक कैपिंग हो, मैक्सिमम कैपिंग की एक लिमिट हो कि इतने अमाउंट तक की पेनल्टी वो चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कंसर्न रहेगा गवर्नमेंट से हमारा कि आपको एक कैपिंग लगानी चाहिए, कम से कम एक व्यापारी को पता हो कि कहां जाकर के मेरी पेनल्टी रुक रही है, ज्यादा से ज्यादा वो टैक्स अमाउंट के बराबर हो, या फिर एक जो भी आपकी कैपिंग है उस कैपिंग तक आपको लोन में उसका प्रोविजन करना चाहिए। साथ ही साथ जो 30% और 25% का डिफरेंस आपने रखा है एलएलपी और कंपनीज के लिए, तो वही शेल्टर मिलना चाहिए एलएलपीज को भी, वही शेल्टर मिलना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को भी। सर, थोड़ा सा जीएसटी कंप्लायंस को लेकर भी आज बड़ी मारामारी चल रही है मार्केट में, क्योंकि जीएसटी कंप्लायंस को लेकर के कहानी आ रही है मार्केट में कि जी बहुत सारे छोटे टैक्स पेयर, जो छोटे व्यापारी हैं, वो कंप्लायंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और उन पर पेनल्टी की मार पड़ रही है, तो आप बताएं सर थोड़ा सा उसके बारे में। जीएसटी में गवर्नमेंट को थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए, जीएसटी में जो कंप्लायंसेज है अभी कभी 2 है, कभी 2A है, कभी 2B है, ये सब मैचिंग मिसमैचिंग, इन सब को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली मैच हो चीजें, और ये एटलीस्ट किसका आईटीसी ब्लॉक ना हो। अभी क्या होता है कि क्लाइंट्स के आईटीसी ब्लॉक होते हैं और उनको टैक्स पे करना पड़ता है, अगर किसी टैक्स पे ने उस पर सारी चीजें ओके हैं, उसने गुड परचेज किया है, पेमेंट चाहिए चेक से, सॉल्वेबिलिटी है, साइज ईवे बिल है, सब कुछ है उसके पास, देन उसके बाद भी उसका आईटीसी ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की है जी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट उसको आईटीसी अलाउ करना चाहिए, और जो टैक्स पेयर जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं या रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल कर रहे हैं, एटलीस्ट उन पे फोकस करके ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि उन पे फोकस करे और उनसे ही पेनल्टी या जो चीज रिकवर करनी है टैक्स पेनल्टी वो उनसे रिकवर करे, एटलीस्ट जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उन पर इस चीज की मार ना पड़े। तो ये कंसर्न भी मार्केट का लगातार बन रहा है कि एक जेन्युइन बायर जो गुड्स परचेज करके लाता है और एक वैलिड इनवॉइस रखता है, वैलिड पेमेंट स्लिप रखता है, इसके साथ उसके पास में ईवे बिल भी होता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ सेलर, सेलर के डिफॉल्ट की वजह से नहीं मिलता, तो ये भी एक कारण है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ सर मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट को बजट में क्या फोकस करना चाहिए, जॉब क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए, न्यू स्टार्टअप पर फोकस करना चाहिए, न्यू इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री कैसे क्रिएट की जाए जी, जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या की अपनी इंसेंटिव स्कीम दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट, अगर नई कंपनीज या नई इंडस्ट्री या नई स्टार्टअप लॉन्च करती है उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है, तो नई कंपनी नई इंडस्ट्री नई चीजें क्रिएट होगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। सर गवर्नमेंट का तो कंसर्न ये रहा है कि पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने काफी जॉब क्रिएट किए हैं, और चूंकि ये इलेक्शन बजट है तो इसमें भी गवर्नमेंट का कंसर्न यही रहेगा कि जॉब क्रिएशन को लेकर के वो ज्यादा बात करने वाले हैं। खैर, जॉब क्रिएशन को लेकर के पिछले 5 साल में गवर्नमेंट उतनी बेहतर ग्राउंड पर काम करती नजर नहीं आई जितना होना चाहिए था जॉब क्रिएशन को लेकर के, एमएसएमई की लिक्विडिटी को लेकर के लगातार दिक्कतें चल ही रही हैं। तो सर आप हमें बताइए कि एमएसएमई की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार के पास में क्या स्टेप हो सकते हैं कि जिनको लेकर के सरकार आगे काम कर सकती है। एमएसएमई की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करनी चाहिए जो मतलब मिनिमम रेट में प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके सिस्टम इस टाइप के हो, इजी हो कि इजीली किसी को भी किसी पर्सन को इजीली लोन मिल जाए। अभी जनरली हम देखते हैं कि लोन्स मिलने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कोलेटर की रिक्वायरमेंट होती है या और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता है जिनको। हाँ सर, कुछ प्रोसीजर इस टाइप का प्रोसीजर हो, इजी हो थोड़ा, जिससे किसी को भी इजीली जॉब लोन मिल जाए। हाँ सर, यहाँ पर क्या मेरा कंसर्न ये है क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स लगाती जरूर है सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्राउंड लेवल पर वो स्कीम एग्जीक्यूशन में जाती है तो उन लोगों को जो रिक्वायर्ड पर्सन है उन लोगों को वो लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। ये कंसर्न भी हमारा गवर्नमेंट से रहेगा कि कम से कम एग्जीक्यूशन पर ये ध्यान दिया जाए कि लोन
एक सही पर्सन तक पहुंच जाए। अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो, जैसा भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं एमएसएमई को, वो पहुंचना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा स्टेप बन सकता है। एग्जैक्टली सर, और एक सजेशन मेरा और है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो अभी टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स पे करते हैं टाइम पर, तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंसेंटिव स्कीम हो, एक ऐसा डिस्काउंटिंग पॉलिसी हो, जो टैक्स पे टाइम पे टैक्स पे करते हैं, टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उस चीज से बेनिफिट मिलना चाहिए। सपोज कीजिए जो टैक्स पेयर एक अमाउंट फिक्स कर देनी चाहिए कि कोई टैक्स पेयर अगर 10 लाख रुपीज से ऊपर की आईटीआर फाइल करता है तो उसको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिले, कुछ वो अगर वो कॉलेज में उसके बन के बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में उनको बेनिफिट मिले, और अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में अगर फ्लाइट से कर रहे हैं तो उसमें एक टाइप डिस्काउंट स्कीम। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग अपनी आईटीआर फाइल करेंगे टाइम पर, आईटीआर फाइल करेंगे और टैक्स का रिवेन्यू कलेक्शन भी गवर्नमेंट के लिए ज्यादा होगा। कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म तैयार करें जिससे जो टैक्स पे टैक्स पे करते हैं उनको इंसेंटिव का बेनिफिट मिले, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, और या आपके ट्रैवलिंग में हो। कुछ इस टाइप की डिस्काउंटिंग पॉलिसी जस्ट लाइक कैशबैक होते हैं आजकल, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेटीएम या अदर कंपनीज जो है वो कैशबैक पे करती है। तो गवर्नमेंट भी इस टाइप की कोई स्कीम तैयार करें जिससे अगर वो टैक्स कोई टैक्स पे करता है और कैंडिडेट फाइल करता है तो उसको इस चीज में कुछ डिस्काउंट मिले अगर वो कुछ काम कर रहे हैं। तो चलो सरकार के लिए ये तो एक सजेशन रहेगा कि जो एक टैक्स पेयर है उसको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम चलाए। सिर्फ फेसबुक पर उसे एक टैग दे देने काफी नहीं है, इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा था पीछे फेसबुक पर एक स्मार्ट टैक्स पेयर को कुछ टैग दे रही थी गवर्नमेंट, वो उतना पर्याप्त नहीं है। कुछ अच्छी स्कीम्स लगाई जा सकती हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी जा सकती हैं एक जेन्युइन टैक्स पेयर को, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना चाहें और देश के विकास में भागीदारी निभाएं। थैंक यू मनोज जी, आपने हमारे साथ में इतना समय दिया और अपने प्रीसियस विचार रखे। दोस्तों द इंडियन पल्स ऐसे ही कुछ और मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ आपसे मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लेकर के हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो उन सभी के विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। और इस बजट 2022 में क्या नया करने वाली है सरकार, उन सभी मुद्दों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। लाइव बजट हमारे यहाँ आने वाला है आप लोगों के लिए, लाइव डिस्कशन चलेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, तो आप उसे भी मिस ना करें। साथ ही साथ कुछ और भी फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। द इंडियन पल्स आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।